मुंबई इज बिफोर। और इसी डिफरेंट होने की वजह से उनको इतने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे जरूर पड़ती है, जिसका नाम दिया है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट मुंबई के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको यहाँ पे सबसे पहले मुंबई का ट्रैफिक फ्लो समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बाकी सारी सिटीज यहाँ पे सर्कुलर होती है, तो उनका ट्रैफिक फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन टू दूसरे डायरेक्शन में नहीं होता, जबकि यहाँ पे मुंबई में जो ट्रैफिक फ्लो है वो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन में ही ज्यादा होता है। एंड इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मुंबई ने पहले भी बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ तक कि बहुत सारे सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट भी किए हैं। और इसी के ऊपर यहाँ पे चलते हुए बांद्रा वर्ली सी लिंक, फ्री वे, बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। और ये दोनों प्रोजेक्ट भी मुंबई के ट्रैफिक को इतना ज्यादा हैवीली कंट्रोल नहीं कर पाए। उसका रीजन ये था कि जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है वो सिर्फ यहाँ पे दो एरियाज को यहाँ पे कनेक्ट करता है, जो कि बाईपास करता है सिर्फ दादर को। और अगर हम यहाँ पे फ्री वे की बात करें तो वो सिर्फ यहाँ पे साउथ बॉम्बे के अंदर यहाँ पे काम करता है, बट जो सबबंस है वहां तक फ्री वे एक्सटेंड नहीं किया गया। और सेकेंडली की जो फ्री वे है वो सिर्फ यहाँ पे ईस्ट साइड वालों के लिए तो यूजफुल है, पर जो वेस्ट साइड में लोग रहते हैं उनके लिए ये फ्रीवे इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब आर्गुमेंट ये निकल के आती है कि भाई वेस्ट वालों के लिए यहाँ पे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो यहाँ पे मीरा बांद्रा से स्टार्ट होके वर्ली पे यहाँ पे एंड हो जाता है वाया सीलिंग। तो जो साउथ बॉम्बे जैसा जो डेंस एरिया है वो ये तो कवर ही नहीं कर। और सेकेंडली अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को देखें तो ये एक एक्सटेंशन है NH-48 का जो गुजरात से आता है, तो यहाँ पे जो गुजरात जाने वाला ट्रैफिक है या गुजरात से आने वाला ट्रैफिक है वो भी ये वाले रोड के ऊपर, बोरीवली अंधेरी जितना भी ट्रैफिक है वो सारा के सारा एक ही रोड पर आ जाता है। एंड इसकी वजह से जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पे उसके लिमिट से ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे मैनेज कर रहा है, और इसकी वजह से ये वाले रोड पर इतने सारे जाम्स लगते हैं कि आपको सिर्फ 20-30 किलोमीटर अगर आपको यहाँ पे ट्रैवल करना है तो पीक टाइम के अंदर आराम से आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए 2009 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कोस्टल रोड का यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोज किया, एंड उस टाइम ये प्रोजेक्ट सिर्फ मरीन ड्राइव से कांदीवली तक ही यहाँ पे प्रपोज किया गया था। उसके बाद 2014 में ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे दहिसर तक एक्सटेंड कर दिया गया। वापस 2021 में फाइनली ये प्रोजेक्ट को विरार तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। विरार तक एक्सटेंड करने का रीजन ये था कि अगर अभी के टाइम किसी को विरार से बोरीवली जाना हो बाय रोड तो उसको पूरा घूम के जाना होता है, जो कि हो जाता है 60-70 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों? अगर आपको विरार से मुंबई के आइलैंड पे आना है तो एक ही ब्रिज है जो यहाँ पे कनेक्ट करता है, तो अगर यहाँ पे विरार वालों को यहाँ पे आना है तो सबसे पहले 22 किलोमीटर उसको यहाँ पे ईस्ट साइड जाना पड़ता है, देन उसको ब्रिज क्रॉस करके मुंबई के अंदर यहाँ पे वो एंट्री ले सकता है। अगर ये वाला कोस्टल रोड यहाँ पे प्रोजेक्ट बन जाता है तो उनको यहाँ पे पूरा घूम के नहीं आना पड़ेगा, बट वो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रिज बन जाएगा, जो कि उनका जो अभी के टाइम पे 70-60 किलोमीटर उनका जाता है वो डायरेक्ट यहाँ पे रिड्यूस होकर 35-40 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे नायगांव, वसई, नालासोपारा, विरार ये चार एरियाज को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से। अब बिकॉज ये कोस्टल रोड यहाँ पे विरार तक एक्सटेंड हो चुका है तो यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा सीलिंग भी यहाँ पे बनेगा, जो कि होगा वर्सोवा से लेके विरार तक, जो कि होगा 40-43 किलोमीटर का। उसमें टोटल 4 एग्जिट्स भी होंगे, कांदीवली, भयंदर, वसई एंड विरार। अब ये ब्रिज से हर इंसान को तो बेनिफिट था, बट जो फिशरमैन थे उनको एक दिक्कत आ रही थी कि जो यहाँ पे ब्रिज के पिलर्स उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सिर्फ 60 मीटर का है, तो उनकी ये डिमांड थी कि उसको 60 मीटर से इंक्रीज करके 200 मीटर किया जाए, ताकि उनके जो नेविगेशन सिस्टम्स है और उनका जो ट्रेडिशनल फिशिंग एरिया है वो यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। फिर 2021 में बीएमसी भी उनकी मांग यहाँ पे मान लेती है और यहाँ पे सिर्फ एक पिलर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 200 मीटर किया जाता है, बाकी सारे तो 60 मीटर पे रहेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर पिलर का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर किया जाता है। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के जो एक्सपेक्टेशन डेट है वो यहाँ पर आती है May 2024, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट 2024 तक एंड हो जाएगा, क्योंकि ये जो सीलिंग बनने वाला है वो बहुत बड़ा सीलिंग है 40-43 किलोमीटर का, जो कि मुझे नहीं लगता इतना इजीली यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये मिनिमम 5-6 इयर्स लेगा कंप्लीट होने के लिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। हाँ, May 2024 तक कुछ पार्ट्स यहाँ पे चालू हो